अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे उर्दू हरूफ तहजी और हरूफ क्या होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए और महाटीटी जो उर्दू मीडियम के लिए, उसके लिए, दोनों ही के लिए ये वीडियो रहेगा। तो देखेंगे अब हम हरूफ क्या है। मुख्तलिफ आवाज़ों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, ज़बान कहते हैं। कि हम अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जो अलग अलग आवाज़ें हैं और इनका जो मजमूआ है जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या है, ज़बान है। और आवाज़ क्या रहेंगी कि जो भी हम हर्फ इस्तेमाल करते हैं इनके लिए हमने आवाज़ें रखी है। तो ये जो आवाज़ें हैं इनका जब मजमूआ पूरा एक हो जाता है तो उससे क्या बनती है, ज़बान बनती है। अब ये जो आवाज़ें हैं, आवाज़ों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हरूफ का या हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो अलीफ़, बे, अब यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट यहाँ पे छोटी ये तक। तो ये टोटल कितने हैं उर्दू में, ये 36 है, 36 है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने हरूफ तहजी है, तो वो 36, 36 हैं। हमज़ा को अगर ऐड कर ले, अगर हमज़ा को ऐड कर ले तो वो 37 हो जाते हैं। अब देखिए, एक बार महाटीटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हरूफ तहजी हमज़ा को अगर ऐड कर लिया जाए तो कितने हैं। तो अगर आप हमज़ा को मिलाते हैं हरूफ तहजी में तो वो 37 हो जाते हैं। अब ये जो है, ये पूरे के पूरे क्या है, 36 हरूफ है। अब हम देखेंगे कि कौन हरूफ इल्लत है और कौन हरूफ सही है। हरूफ इल्लत यानी कि कौन, अलीफ, वाव और ये तीनों भी, अलीफ, वाव और ये, जो किसकी आवाज़ देते हैं, ज़ेर, ज़बर और पेश की आवाज़ देते हैं। इनकी कंडीशन है कि ये अगर दरमियान में या आखिर में, ये तीनों अगर दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होते हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश की आवाज़ देते हैं, तो ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर लिखूं अनार, अनार, अब इसमें अलीफ़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और अलीफ़ ये नून के बाद भी इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ ये स्टार्ट में, शुरुआत में इस्तेमाल हुआ है तो ये हरूफ़ इल्लत है क्या, नहीं। अब ये दरमियान में इस्तेमाल हुआ है तो ये हरूफ़ इल्लत है। यानी कि क्या कंडीशन क्या है कि अलीफ़, वाव और ये अगर दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होते हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे, हरूफ़ इल्लत, यानी कि हरूफ़ इल्लत के तौर पर हम उनको इस्तेमाल में ले रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेंगे, दरवाज़ा, मियार। अब देखिए यहाँ पे दरवाज़ा, तो वाव और अलीफ दोनों भी इस्तेमाल हुए हैं आखिर में, तो ये क्या है, हरूफ इल्लत है। ये दोनों भी हरूफ इल्लत के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। अब मियार में ये जो छोटी ये है और अलीफ है, दोनों भी इस्तेमाल हुए हैं तो ये हरूफ इल्लत है। अगर मैं यहाँ पे मियार को मियारी कर दूँ, आखिर में भी अगर मैं छोटी ये लगा दूँ तो भी ये हरूफ इल्लत के तौर पे छोटी ये इस्तेमाल हुआ है। यानी कि दरमियान में और आखिर में अगर ये इस्तेमाल में आते हैं तो हरूफ इल्लत है। अगर मैं लिखूँ यादगार, अगर यादगार हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो ये है, ये हरूफ इल्लत रहेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये शुरुआत में इस्तेमाल हुआ है और कंडीशन क्या है कि दरमियान में होना या फिर आखिर में होना। और ये जो अलीफ है, ये हरूफ इल्लत है और यहाँ पर जो अलीफ इस्तेमाल हुआ है ये भी हरूफ इल्लत है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी एक हरूफ दे देंगे, सॉरी, कोई भी एक लफ्ज़ दे देंगे और बोलेंगे इसमें कुल कितने हरूफ इल्लत इस्तेमाल हुए हैं। कोई भी लफ्ज़ दे सकते हैं और बोलेंगे कि इसमें कितने हरूफ इल्लत इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये देखिए मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है, तो अगर हम लिखें ज़्यादा तो इसमें कुल कितने हरूफ इल्लत इस्तेमाल हुए हैं, तो कितने रहेंगे, ये छोटी ये और ये अलीफ़, और दोनों ही दरमियान में इस्तेमाल हुए हैं तो कुल दो हरूफ इल्लत इस्तेमाल हुए हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे है हरूफ सही। अब हरूफ इल्लत को हटा दें अगर हम, तो जितने भी हरूफ रह जाते हैं हरूफ तहजी के, तो वो हरूफ सही रहेंगे। कितने रहेंगे, 36 क्या है, हरूफ तहजी है।
थ्री अगर हम हरूफ़ इल्लत हटा दो तो 33 कितने होते हैं, हरूफ़ सही होते हैं। तो ये हरूफ़ सही होंगे। अब देखिए हमने एक चीज़ पढ़े कि हरूफ़ इल्लत यानी कि अलीफ, वाव और छोटी ये, अगर ये दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होते हैं तो ये हरूफ़ इल्लत है। अगर ये स्टार्टिंग में या शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं तो फिर ये हरूफ सही कहलाएंगे, हरूफ सही के तौर पर इस्तेमाल में आएंगे। एक एग्जांपल से अभी मैं बता देती, जैसे कि यहाँ पर यहाँ एक लिखा हुआ है, एक, तो देखिए यहाँ पर ये जो अलीफ है ये यहाँ पे अलीफ हरूफ सही के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और जो छोटी ये है ये हरूफ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल हुई है। हालांकि अलीफ क्या है, अलीफ और ये क्या है, हरूफ इल्लत है, ज़ेर ज़बर और पेश के तौर पे इस्तेमाल होते, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दरमियान में या आखिर में आना। यहाँ देखो अलीफ स्टार्टिंग में आ गया, इसलिए ये अब क्या हो गया, हरूफ सही के तौर पर इस्तेमाल में आया है। तो आपको पूछ सकते हैं कि ये अलीफ है तो अलीफ में कितने हरूफ सही है और कितने हरूफ इल्लत है। तो कितने हरूफ इल्लत है, सिर्फ एक हरूफ इल्लत है और हरूफ सही एक और दो। नेक्स्ट है हरूफ मनखुता। हरूफ मनखुता यानी कि क्या है कि वो हरूफ जिन पर एक या ज़्यादा नुक्ते होते हैं, यानी कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हर्फ को पढ़ रहे, तो अब हम देखेंगे नुक्ते वाले कि जहाँ जिन पे एक नुक्ता या एक से ज़्यादा भी नुक्ते हो तो उसे हरूफ मनखुता कहते हैं। हरूफ मुभम या गैर मनतुखा यानी कि क्या कि जिन पे कोई भी नुक्ता ना हो, जिस पे नुक्ता ही नहीं होता है, तो वो ये देखिए ये है। अब आपको पूछ सकते हैं कि वो कितने हैं, टोटल कितने हैं, या पहचानने के लिए दे सकते हैं कि इनमें कौन हरूफ मनखुता है और कौन हरूफ गैर मनखुता है। नेक्स्ट देखेंगे हरूफ फौकानी। हरूफ फौकानी यानी कि क्या कि वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते लगाए जाते हैं, यानी कि जिनके ऊपर नुक्ते होते हैं, ठीक है, तो जिनके ऊपर नुक्ते हैं वो हरूफ फौखानी कहलाते हैं। और हरूफ तख्तानी यानी कि क्या, वो हरूफ जिसके नीचे नुक्ते लगाए जाते हैं, जिनके नीचे नुक्ते आते हैं। हरूफ ज़मीर। हरूफ ज़मीर यानी कि क्या कि वो हरूफ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले जो लफ्ज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। तो वो हरूफ क्या कहलाएंगे, हरूफ ज़मीर कहलाएंगे, जैसे कि मैं, हम, तुम, वो, ये वगैरह, वो, उनका, तुम, है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, हरूफ ज़मीर है। हरूफ मकतूबी, वो हरूफ जो लिखे तो जाएंगे लेकिन पढ़ने में उनका तलफ़ अदा नहीं होगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए कि वो हरूफ जो हम लिखते हैं लेकिन पढ़ने में इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, जैसे कि है यहाँ पे बिल्कुल। बिल्कुल में हम यहाँ पे डायरेक्ट बे को किससे जोड़ रहे हैं, लाम से जोड़ रहे हैं, और अलीफ़ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे अलीफ इस्तेमाल में लाया गया है, लिखा गया है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को या उसके तलफ़ को अदा कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, तो ये हरूफ मकतूबी हो गया। अब हरूफ, अब देखो एक और एग्ज़ाम्पल, ख्वाब। ख्वाब तो हम क्या बोलते हैं, ख्वाब, डायरेक्ट अलीफ को लेते, वाव का वाव को यहाँ पे पढ़ा जाता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, हरूफ मकतूबी यानी कि वो हरूफ, ये हरूफ मकतूबी के वो हरूफ जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। उसके बाद है नेक्स्ट हरूफ इजाफत। अब मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बता दी थी कि मुजाफ क्या है, मुजाफ इलैह क्या है और हरूफ इजाफत क्या होते हैं। तो हरूफ इजाफत क्या है कि मुजाफ इलैह के बाद और मुजाफ से पहले आने वाले हरूफ यानी कि का, की, के, ये हरूफ इजाफत कहलाते हैं। जैसे कि आसमान का तारा, आसमान का तारा, तो यहाँ पे जो का है तो ये क्या है, हरूफ इजाफत यानी कि जो मुजाफी लय और मुजाफ दोनों को जोड़ता है या उन दोनों के दरमियान में आता है, तो वो होते हैं हरूफ इजाफत। तो ये जो इम्पोर्टेंट हरूफ है इसको अभी हमने देखे,
जैसे कि गुलाब के फूल, गुलाब के फूल। अब इसमें एग्जाम, ये गुलाब के फूल, इसमें के जो यूज में लाया गया है, तो ये जो के है ये क्या है, हुरूफ़े इजाफत है, ये हुरूफ़े इजाफत है। तो आज हमने पूरे हुरूफ देख लिए कि कौन से इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड और महाटीटी दोनों ही के लिए एक साथ मैंने आपको उर्दू का लेक्चर कर ली। महाटीटी और वक्फ बोर्ड के लिए दोनों ही उर्दू में है। तो वक्फ बोर्ड की जो बैचेस है वो हमारी चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन बैच है ये टीचमेंट ऐप पर, टीचमेंट ऐप पर है, जिसमें लाइव लेक्चर स्टार्ट होते हैं 8 AM से 11 AM तक का टाइम है लाइव लेक्चर का, और बाद में वो रिकॉर्ड हो जाते हैं लेक्चर। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हैं। और महाटीटी की बैच स्टार्ट हो चुकी है 25 सितंबर से। आप इसमें ज्वाइन होने के लिए थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ सीटेट की भी न्यू बैच जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।